खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेरिया गांव में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में को सेवा श्रवण कुमार, अन्नदाता शांति प्रेरणा तथा खेरिया रत्न सम्मान से गांव की प्रतिभाओं को नवाजा गया। कायाकल्प केंद्र के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजे वायुनंदन मिश्र ने कहा, श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम प्रशंसनीय है। विशिष्ट अतिथि जिला कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ल और अभियोजन अधिकारी पीएन स्वामी ने कहा, डॉक्टर राजेश के बताए मार्गों पर चलें। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामबलि मिश्र ने कहा, डॉक्टर राजेश भारत के ही नहीं विश्व रत्न हैं, और कहा उनके द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वीरेंद्र व रविंद्र मिश्र को श्रवण कुमार सम्मान, नेपाल को अन्नदाता, रंजना को शांति प्रेरणा, जयपाल को गोसेवा तथा रामश्री को खेरिया रत्न से प्रशस्ति पत्र व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश मिश्र, प्रदीप पांडे, दिलीप सरस्वती, रविकांत त्रिपाठी, रत्ना मिश्रा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सहित कई लोग उपस्थित थे। खेरिया गांव में प्रत्येक वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हम जो परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते हैं उनको अन्नदाता सम्मान, जो गो पालन करता है उसको गो सेवा सम्मान, और जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसको श्रवण कुमार सम्मान। इसके अलावा जिस घर में कोई भी पान पुड़िया आदि किसी प्रकार का नशा नहीं करता, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, उसको शांत प्रेरणा सम्मान देता हूँ। जो सबसे सज्जन व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है गाँव का, उसको खेरिया रत्न से सम्मान किया जाता है। तो 5 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, वैसे 6 सम्मान देते थे। एक हम अग्निहोत्र सम्मान भी देते थे, लेकिन अग्निहोत्र नृत्य करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको मैं सम्मान नहीं दे रहा हूँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।